पूरा पटाया बीच है दोस्तों, पूरा ये याच वगैरह फेरी वगैरह ये इनसे आप इधर उधर के टूर कर सकते हो पूरा पटाया सिटी। बाइक ने मुझे छोड़ दिया है कोरल आइलैंड के टिकट काउंटर के पास, और यहाँ से कोरल आइलैंड जाएंगे। बलून बलून फेरी 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 तो यहीं से ही मिलेगा कोर को आइसलैंड का टिकट फेरी का। अब देखते हैं, बताया तो है, पहले देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में अंदर क्या है। दोस्तों आगे से ही बताया है टिकट इधर से ही मिलेगा को आइसलैंड फेरी का। यहाँ से बोट भी जाती है, बोट है 350 बात और फेरी है 30 बात। बोट और फेरी में यही है कि स्पीड बोट होती है वो जल्दी आपको पहुँचाएगी, और फेरी थोड़ा 10 मिनट से लेट पहुँचाएगी। ये डिफरेंस है इसमें, ये सारी बोट्स दोस्तों आ गए हैं फेरी पे हवाई आइलैंड के। दोस्तों आ गए हम को आइसलैंड, कोरल आइसलैंड, कोरलान को आइसलैंड एक ही चीज़ है ये। तो इसी फेरी में जो पीछे खड़ी है इसी में ही मैं आया हूँ अभी। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं एक्टिविटी यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर को आइलैंड आइसलैंड आएंगे आप तो यहाँ तक तो आपको 30 बात पे करने होंगे बाई फेरी। उसके आगे जो खर्चा है वो महंगा है, यहाँ पे उतरते ही बाइक रेंट पे लेनी होगी या टैक्सी से जाना होगा, बाइक टैक्सी से, टैक्सी नहीं।
पे जाने के लिए एक्टिविटी है 300 बात मिनिमम, 500 बात, 700 बात, ये चीज़ करना है। तो ट्रॉय आइसलैंड अगर आप आ रहे हैं तो आगे भी ये मान लो कि 1000 बात का आपका खर्चा कुछ खाने पीने में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अभी को लर्न गया था को आइसलैंड, और मैं गया था फेरी से और आया हूँ मैं स्पीड बोट से। इसमें जो टाइम लगता है बाई फेरी तो 30 बात में आपको 45 मिनट्स लगेंगे, और बाई बोट 350 बात में आपको लगेंगे 20 मिनट। तो काफ़ी फ़र्क है, और मनी में भी फ़र्क है काफ़ी। तो देख लीजिए आपको जो सूट करे उसमें आप जा सकते हो, छोड़ेगी दोनों चीज़ वहीं पे ही।